पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सरकार ने आज राज्य विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आई। इसके बाद विधानसभा में इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। पंजाब सरकार के कैबिनेट ने CAA के खिलाफ प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद विधानसभा में रखा गया। इसके बाद पंजाब विधानसभा ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को 2 दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की संभावना से इनकार किया था। केरल की तरह राज्य सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने के सवाल पर सिंह ने 17 जनवरी तक इंतजार करने को कहा था।